नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की केसरगंज सीट से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें जैसे ही कम होती हैं, ब्रिजभूषण सिंह कोई ना कोई नया विवाद खड़ा कर देते हैं। जी हां, हाल ही में उन्नाव में उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को वहां पर संबोधित किया। इसके साथ साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे शख्स है जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के मुद्दे पर गहनता से विचार किया है। हम उस वक्त जेल में बंद थे जिस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमारी जीत हुई है और ऐसे में हम राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को और भी ज्यादा जो है भव्य बनाना चाहते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है इसकी पूरे देश विदेश में चर्चा हो रही है। इसके अलावा यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरीके से पहलवान खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला था, उसके बाद WFI से उनका जो सियासी वर्चस्व है वो खत्म हो चुका है। लेकिन उन्नाव में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 175 वर्ष पूर्व 1857 में हमारे परिवार को उन्नाव से जाना पड़ा था। 1857 में हमारे परिवार को उन्नाव से जाना पड़ा था। हम भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरी जड़ भी उन्नाव में ही है। भाइयों, मैं महाराज जी को अयोध्या आंदोलन से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जुड़े रहे। जेल में भी हम साथ रहे, जेल की व्यवस्था को हम ज्यादा समझते थे, मतलब जेल में भी हमारा ही दबदबा था, उसका पूरा पूरा फायदा महाराज जी को हम लोगों ने दिया। बहुत अच्छा संबंध है और आज सबसे प्रसन्नता की बात है कि जिसके लिए 500 वर्ष से संघर्ष किया गया, हमारे जैसे महाराज जी जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता जेल गए और उनका एक ही सपना था कि रामलला हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे। और मेरे मित्रों, मैं दो बात करना चाहता हूं। उस समय दो नारे बड़े प्रसिद्ध थे, एक रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे और एक नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। यहाँ पर आपने सुना जिस तरीके से संजय सिंह के WFI अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ब्रिजभूषण सिंह ने यह कहा था कि अब उनका WFI से नाता टूट गया है, लेकिन फिर से वह कहते नजर आ रहे हैं कि राजनीति में मेरा दबदबा था और आने वाले वक्त में भी रहने वाला है। तो क्या इसका खामियाजा आने वाले वक्त में ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपनी सीट गंवा कर चुकाना पड़ेगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।